वेलकम बच्चों। सो आज हम देखने वाले हैं ऑसिलेशंस इस चैप्टर के एमसीक्यूज। सो बच्चों हमारे पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर, क्या दिख रहा है वहां पर हमें? अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखो वो मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। आगे कहता है इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, ध्यान में रखो एम्पलीट्यूड कैपिटल ए लिया एंड द टाइम पीरियड इज टी। ठीक है, अब आगे कंडीशन दी बराबर देखो। At the instance when its the speed, speed को हम किससे बताते हैं? V से, is यानी is equal to half the maximum speed। अब maximum speed को हम लिखते हैं V max और उसका half मतलब upon 2। ठीक है बच्चों, अब मुझे बता आप ये जो V का formula है, so V का formula magnitude में क्या है हमारे पास? So वो है omega under root a square minus x square, मतलब amplitude square minus displacement का square is equal to, अब हमारे पास v max है, हम पढ़ चुके, चलो बताओ फट से फार्मूला क्या है? Yes, a into omega और upon 2, यहाँ पर हमने small a use किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर amplitude के लिए a दिया, तो आप capital a लीजिए। अब इसको solve करो, देखो omega दोनों तरफ से cancel हो गए हैं, अब हमारे पास जो बचा, हम दोनों तरफ का क्या करते हैं? Square करते हैं। तो यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने का स्क्वायर करो, सो ए का स्क्वायर बनेगा अपॉन टू का स्क्वायर 4। अच्छा बच्चों देखो पूछा क्या है हमें? डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें यहां पर एक्स निकालना है, सो हम ए वाले को इधर लाते, सो दिस इज ए स्क्वायर, इसको भेजो इधर, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कुछ इसके नीचे नहीं, यानी 1 समझो। अब आपको मालूम है क्या कि यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, हम यहां पे डायरेक्ट लिखते 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 वन जा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको चाहिए अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स। ठीक है, सो आप क्या करो, एक्स इज इक्वल टू इसको रूट में डाल दो, सो 3 ए स्क्वायर अपॉन 4, सो फाइनली एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यानी यहां पर बचेगा ए। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया है यहाँ पर? यस, रूट 3 बाई 2 ए, यानी हमारा आंसर होगा इसमें से फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास है अभी सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है अभी देखो, अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी, देखो आपको मास दिया है कितना 1 केजी, परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, देखो फार्मूला दिया है हमको, क्या दिया है 6 साइन 100 टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। अब मुझे बताओ बच्चों ये a क्या हो जाएगा हमारा 6, लेकिन ध्यान में रखो ये a भी हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब या तो वो मीटर सेंटीमीटर में चाहिए, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किस में दिया है? सेंटीमीटर में, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये बन जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है बच्चों, अब t दिया है सेकंड में, और ये जो ओमेगा, देखो ओमेगा की जगह पे कौन आया है, यस कितना आया वहां पे 100, और आप देख रहे हो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या कहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम निकालना है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर होती है, मीन पोजीशन पे, और उसका फार्मूला होता है हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, असल में फार्मूला कौन सा है हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है, और मीन पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है, अगर आप इसकी जगह पे जीरो रखो तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, यही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो ये हाफ है यम, यम कितना है हमारे पास 1, ओमेगा देखो ओमेगा यहां पर कितना नजर आ रहा है 100, यस 100 का स्क्वायर, और यहां पर a है, a की वैल्यू कितनी है यहां पर है वो 0.06, और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करो, यहां पर हमारे पास 200 है, मतलब 100 × 100 है, सो 2 से 100 को कट करते हैं, तो आंसर आएगा 50 और फिर से 100। ठीक है, अब यहां पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, लेकिन यहां पे 0.06 का स्क्वायर था, यहां पे दो घर है तो वहां पे चार घर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, और यहां पे 0 लेंगे। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो इसको, 5 से मल्टीप्लाई करो, सो 5 6 30 कैरी होंगे हमारे 3,
फाइव थ्री सा 15, 15 और 3 बन जाएंगे 18, यहाँ पर 18 लिखेंगे, फिर ये 0 और 100 के 2 0, ठीक है बच्चों इस तरह से। और अब हमको देना है पॉइंट, तो यहाँ पर देखो पॉइंट कितने घर के बाद है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आएगा और इसलिए बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 18 जून, ठीक है। सो इसका एमसीक्यू, इस एमसीक्यू का आंसर होगा हमारा डी। अभी हमारे पास है बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन, क्या कहता आपसे वो, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम की लेंथ हम यल से बताते हैं, इज इक्वल टू कितना है वो अर्थ सरफेस पर 1 मीटर है, ठीक है। इसको आप यल ई बोल देते हैं, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस, मान लेते कि वो कितना दिया, नियरली 1 मीटर। अब आगे क्या कहा, इट्स अ लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून शुड बी, ठीक है, यानी लेंथ हमको निकालना है कितनी होनी चाहिए, लेकिन कहां पर, मून पर, यानी एल एम हमको निकालना है, ठीक है। चलो और कुछ दिया है देख लेते हैं, गिवन दिया क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, हम उसे लिखेंगे जी एम इज इक्वल टू क्या है, 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ सरफेस, यानी 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो बच्चों ये हमको दिया हुआ है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास पीरियड और पेंडुलम का फार्मूला है, तो पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना ये है कि हमारे पास ये स्पेशल है सेकंड पेंडुलम है, और सेकंड पेंडुलम में हमारा जो टी होता है वो फिक्स होता है और वो होता है 2 सेकंड, मतलब यहाँ पर 2, ये जो टी है ये 2, फिर पाई, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। So, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा दोनों तरफ पे स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब आप एल को अकेला कर दो तो ये बनेगा टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने क्या कहा था, हमारा जो टी है वो फिक्स है, 4 पाई स्क्वायर ये भी फिक्स है, इसका मतलब कि यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी, ठीक है। तो अब हम दोनों, हमें इन दोनों में क्या है, रिलेशन पालन हो चुका है। सो चलो अब लिखते हैं क्या हो जाएगा, एल एम हम इसका रेशियो लेते हैं अपॉन एल ए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। चलो सॉल्व करो, एल एम चाहिए आपको, तो एल एम इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन जी इंटू एल ई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, चलो वैल्यू रखो, देखो ये जी एम की वैल्यू, जी एम की वैल्यू कितनी है, इट इज 1/6, साथ में क्या है जी, और ऑलरेडी नीचे क्या है जी है, ठीक है, और साथ में एल ई, तो एल ई कितनी हमारे पास 1। अब देखो ये जी जी कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू कुछ भी करे तो वही, इसलिए एल एम यानी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द मून सरफेस इज 1/6। सो बच्चों हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या था उन्होंने, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, 2 स्प्रिंग है ऑफ कॉन्स्टेंट के, दोनों के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितने हैं, K है, ठीक है। सो मान लेते कि पहले का K1 है, दूसरे का K2 है, और दोनों के दोनों सेम है, और वो दिया है हमको K, ठीक है। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, देखो मान लेते कि ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग हमको क्या किया गया है इस तरह से लटका दिया है, और दूसरा स्प्रिंग इसको पहले सीरीज में, यानी मान लेते कि इसी को नीचे में इस तरह से जोड़ दिया, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K, ये हो गया सीरीज की बात। और दूसरी क्या करी उन्होंने, पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए ये एक हो गया, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग इस तरह से हो गया, ठीक है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। अब देखो आगे क्या कहा, अ मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन। अब देखो ये सीरीज के लिए, ये क्या हमारा सीरीज, और ये हमारे पास है पैरेलल, तो इसके नीचे में क्या कर दिया, एक ब्लॉक को ऐसा जोड़ दिया है, ठीक है, जिसका मास हमको दिया है m। अब यहाँ पे दोनों को इस तरह से कंबाइन करो और वो ब्लॉक आप इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। सो यहाँ पर 2 अरेंजमेंट दिए, एक सीरीज अरेंजमेंट है और एक पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब आगे क्या कहा वो देखो, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशंस विल बी इन द रेशियो, ठीक है। क्या कहा उसने, रेशियो निकालना है फ्रीक्वेंसीज का, वो तो हम देखेंगे, पहले क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहां पर सीरीज में और पैरेलल में, पहले इनका हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे हम, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रिजल्टेंट
स्प्रिंग कांस्टेंट है Ks, उसका फार्मूला है हमारे पास K1 into K2 upon K1 plus K2, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पहले देखो K1 है या फिर K2 है, दोनों के दोनों क्या दिए उन्होंने, K दिया है। K1 K2 के जगह पे क्या रखेंगे, K plus K, सॉल्व करो तो K बन जाएगा K2, और ये बन जाएगा ट्वाइस K, एक एक कटेगा, यस Ks क्या बन गया हमारा, ऊपर में K बचेगा नीचे में 2 बचेगा, ठीक है। चलो अब यही चीज किस चीज के लिए, पैरेलल के लिए, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला है वो है KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है, और K1 और K2 दोनों के दोनों क्या दिए उन्होंने, K दिया है, तो वो बन जाएंगे ट्वाइस K, ठीक है। अब बच्चों हमको जो काम करना है वो देखो, हमको निकालना क्या है, हमको करना क्या है, तो हमको रेशो निकालना है फ्रीक्वेंसी का, तो पहले फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमको एंगुलर वेलोसिटी में। सो हमारे पास रिलेशन है, याद करिए कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, K/m, ठीक है, ये है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ओमेगा का मतलब क्या है, 2πn इज इक्वल टू अंडर रूट K/m है, और यहां पर आप देखो ये जो m है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेशन चेक करते हैं, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और m भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब n, ठीक है, जो होगा वो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k, ठीक है। और अब हमको फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है, तो दो अरेंजमेंट है, सो रेशियो यानी डिवीजन, तो पहला ns, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा np, यानी फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन का रेशियो फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। और अब यहाँ पे इज इक्वल टू रूट में k है, तो ऊपर में होगा अंडर रूट ks और नीचे में होगा अंडर रूट kp, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यूज को आप रख दीजिए, चलो चेक करो क्या है यहाँ पर, ks कितना मिला है, इट इज k/2, ठीक है, और kp देखो आप कितना है, इट इज ट्वाइस k, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दे, आप देखो k कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बनेगा 4, और इसीलिए ये होगा 1√1 और 4√2, और इसीलिए रेशो में लिखते तो 1/1:2, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमारा इसमें से आंसर होगा सेकंड आंसर, ठीक है। सो इस प्रकार से हमको बच्चों क्या करने हैं कि MCQ को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो